5 questions for Prince. But पीछे से क्या पीछे चंद्रा पीछे आ आ आ आ बहुत ही अच्छा शानदार अरे रुक जा रुक जा अरे यार तो रेडी हो गया सर अरे ये किशन थोड़ा पीछे ना भाई थोड़ा सा पूरा से अंदर करना है बाद में कर देंगे अंदर बाद में कर देंगे बहुत सारे अंदर कोई बात नहीं ठीक है 5-6 मतलब 7-8 कर दूंगा उनसे मैडम जी प्रिंस भाई शुरुआत करना चाहूंगा भाई आपने तो भाई इंट्री किया है लॉकअप शो में लॉकअप शो में कोई अलग ही चाल जब मेरे को ये शो ऑफर हुआ था तो करण ने मेरे को बोलता कि यार मैं बाहर से गेम खेला हूँ अंदर से खेलने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब एक साथ खेल रहे हैं तो ये प्लीज़ जाना है एंड ऊपर से एक तो मैं उनको मना नहीं कर सकते तो मैं कंटेस्टेंट नहीं था पर मैंने कंटेस्टेंट बिलीव कराया कि मैं खिलाड़ी हूँ मैं खिलाड़ी नहीं था मैं सिर्फ उनकी गेम बदलने आया था गेम को ऊपर करने आया था क्योंकि मेरे को पता है गेम कैसे खेली जाती है तो वही मैंने किया सबको इंडिविजुअल किया ताकि सबकी गेम बाहर आए और जो हम हमेशा से करते हैं धमाल में जाते हैं वो हम मचाते हैं आपको क्या लगता है आपके आने के बाद सबसे अच्छी गेम किसकी बाहर आई आपके आने के बाद हाँ सभी की गेम बाहर आई है साइशा की गेम अच्छी हुई अंजलि की गेम अच्छी हुई नावर की मैंने और डिफिकल्टी के साथ और अच्छी करी तो सब पे मैंने मेहनत करी थी सबकी सबसे मैंने सबके लिए मैंने मेहनत करी थी क्योंकि मैं जहाँ से बाहर से शो देख के आ रहा था सब मेहनत कर रहे थे पर दिख एक ही रहा था तो मुझे था कि ये फेयर नहीं है एटलीस्ट विनर कोई भी हो पर दिखने सब जाएंगे तो मेरे अंदर आके गेम यही थी कि अपने आप को नॉर्मल दिखा के कि मैं कंटेस्टेंट उसके 7 इंच की मैं गेम बदलूँ वो मैंने बदली तो सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था सर आपका बेस्ट मोमेंट अभी था जब मैंने आपने ट्रॉफी सर करण सर आए तभी बहुत सारी चर्चा हुई तेजस्वी जी भी आए क्या कुछ कहा उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बाहर से कुछ कहा मैं बाहर की मैंने कोई बात पूछी नहीं ना मैं पूछता था क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अंदर हूँ भी अंदर की बात मुझे ज़्यादा जाननी चाहिए और क्योंकि बाहर की जब कितनी बातें सुनो तो माइंड डाइवर्ट होता है कि क्या चल रहा है तो मुझे था कि जब तक इस घर में हूँ मैं अपना काम करने आया हूँ मैं काम करके जाऊँगा इस शो में अगर मुझे भरोसा देके बुलाया है तो ये शो को नंबर 1 शो बनाने का सुन सकता हूँ मुनावर की गेम आप सबसे ज़्यादा क्लूज आपने ही देखी है किस तरह की गेम उनकी लगती है बहुत दिल का आदमी है यार जिसका बहुत कुछ हुआ होता है लाइफ में स्ट्रगल हुआ होता है वो जब से ऐसा कुछ मौका मिलता दिखाने का तो वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाता है कि वो कितना सच्चा इंसान है और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा हमारी दुनिया को कि हम बहुत जल्दी किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरी साइड की स्टोरी हमें नहीं पता होती तो वेट करा करिए कि कोई स्टोरी बाहर आए दूसरी साइड की भी स्टोरी वापस आए तो उसके बाद आप बोलने के लिए जीशान का जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो बहुत सडन था कि तो मूवमेंट उससे वो गलती हो गई थी और वो गलती होती है हर इंसान हम हमारे में कितने इमोशन हम भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं वो बुरा इंसान थोड़ी है वो बहुत अच्छा इंसान है वो बहुत प्यारा इंसान है तो गलती हुई थी उसने माफ़ी भी मांगी उसकी सजा मिली उसको वो शो से बाहर चला गया सर डू यू थिंक जीशान शुड डिजर्व अनदर चांस टू गेट उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए ना ये देखो क्या है कि हम गलत मैसेज नहीं दे सकते हमारे इंडिया का रूल है कि कोई भी हिंसा नहीं कर सकता हिंसा के लिए वो बाहर गया था बट मैं फिर बोल रहा हूँ ना मैंने शो में ही बोला कि वो बुरा इंसान नहीं वो अच्छा इंसान है और शो के लिए जो भी बेनिफिट है वो हुई जज बने आप लेकिन आप वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों गए मैं कंटेस्टेंट नहीं था सर आपको सुना मिला कंटेस्टेंट भी आप गए लेकिन नहीं गए लेकिन क्या जरूरत है आपको सर मेरे लिए मेरे को लगता है शायद आपने देखा नहीं मेरे को टेम्पटेशन मिली थी कि अगर मैं इस शो में अच्छा करके जाता हूँ तो मैं और इनके शोज कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी अभी आपको मैं बता दूँगा आपको मिल रहा है यस तो उसके लिए आया था और मेरे को लगता है चैलेंज बहुत पसंद है जब मुझे लगता है कि रियलिटी की बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर रियलिटी है तो मुझे जब भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैंने उसको निभाया और मेरे लिए कोई काम नया पुराना और छोटा बड़ा नहीं है मुझे लगता है कि ये सुपर हिट शो है और हम सब ने मिलकर इसको बनाया आप सब ने इसको मिलकर बनाया दैट्स अ रीज़न कंगना जी के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की थी क्या कनेक्शन बहुत ही अच्छी थी बहुत अच्छी थी और कंगना मैम बहुत ही प्रोफेशनल है जब भी स्टेज पे आते हैं वो बहुत ही तरीके से बात करते हैं सबसे सबको मोटिवेट करते हैं हाँ अरे यार अभी मेरे को वो नहीं पता पर मैं वैसे